नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान स्थित सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में शनिवार को 2 दिवसीय जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल और पूर्व जिलाध्यक्ष पीपी राज समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव एसके सत्यन ने बताया कि करीब 400 खिलाड़ियों ने अलग अलग आयु वर्ग की प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ के विजेता खिलाड़ियों को गुजरात के अहमदाबाद में अंतरजनपदीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। आज हुए इस कार्यक्रम में विजेताओं को गोल्ड, सिल्वर और ब्रांस मेडल के साथ ही प्रशस्ति पत्र का भी वितरण हुआ। करीब 100 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। उन्होंने बताया कि जिला एथलेटिक्स संघ अधिकृत संस्था है और इसके द्वारा आयोजित हुई प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को राष्ट्रीय खेल में सीधे मौका मिलेगा। सुनते हैं जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव ने क्या जानकारी दी। सर, आज ये जो 2 दिवसीय इवेंट जो आपके द्वारा कराया गया है, किस तरह से बच्चों के लिए लाभकारी है और क्या क्या रहा इसमें, किस तरह से बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है? देखिए, जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा ये अधिकृत मैच होता है 14 साल से कम आयु के और 16 साल से कम आयु, तो इसमें बालक बालिका दोनों भाग लेते हैं और इस प्रतियोगिता के माध्यम से सीधे राष्ट्रीय स्तर में भाग लेंगे और अंतर जनपदीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता फरवरी माह में जो अहमदाबाद में होगी, यहाँ से चयनित बालक बालिकाएं वहाँ पर जाएंगे खेलेंगे और इसके द्वारा वो सीधे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने की वजह से उनको भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा और दूसरी तरफ उनको अपना प्रदर्शन करने के लिए भी एक मौका मिलेगा जिसे वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना जबर दिखा सकते। कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया और कितने बच्चों को आज यहाँ पुरस्कृत किया गया है? देखिए, इसमें लगभग 400 बच्चों ने भाग लिया है। ये 2 दिवसीय था, कल से चल रही थी, आज समापन हुआ है और इसमें लगभग सारे इवेंट में गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज 3 मेडल दिए गए हैं और साथ में सर्टिफिकेट दिए। कितने बच्चों को? लगभग 100। सर, आज ये जो 2 दिवसीय इवेंट जो आपके द्वारा कराया गया है, किस तरह से बच्चों के लिए लाभकारी है और क्या क्या रहा इसमें, किस तरह से बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है? देखिए, जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा ये अधिकृत मैच होता है 14 साल से कम आयु के और 16 साल से कम आयु, तो इसमें बालक बालिका दोनों भाग लेते हैं और इस प्रतियोगिता के माध्यम से सीधे राष्ट्रीय स्तर में भाग लेंगे और अंतर जनपदीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता फरवरी माह में जो अहमदाबाद में होगी, यहाँ से चयनित बालक बालिकाएं वहाँ पर जाएंगे खेलेंगे और इसके द्वारा वो सीधे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने की वजह से उनको भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा और दूसरी तरफ उनको अपना प्रदर्शन करने के लिए भी एक मौका मिलेगा जिसे वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना जबर दिखा सकते। कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया और कितने बच्चों को आज यहाँ पुरस्कृत किया गया है? देखिए, इसमें लगभग 400 बच्चों ने भाग लिया है। ये 2 दिवसीय था, कल से चल रही थी, आज समापन हुआ है और इसमें लगभग सारे इवेंट में गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज 3 मेडल दिए गए हैं और साथ में सर्टिफिकेट दिए। कितने बच्चों को? लगभग 100। डीडी वाली दिखाओ। चलो ठीक। सर, आजमगढ़ जनपद में एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई 2 दिवसीय थी, किस तरह से यह बच्चों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है और क्या कहना चाहिए? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। भारत सरकार की भी ये महत्वाकांक्षी योजना है खेलो इंडिया के माध्यम से। जब से अभियान शुरू हुआ है, गांव से ही तमाम प्रतिभाएं निकलकर बड़े बड़े शहरों तक जा रही हैं और अच्छा मुकाम हासिल कर रही हैं, इसी का परिणाम है। और खेलों के प्रति प्रोत्साहन जो भारत सरकार ने दे रही है, उसके नाते ही आज पूरी दुनिया में भारत का स्थान काफ़ी आगे हुआ है और भविष्य में भी अच्छी प्रतिभाएँ इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से निकल कर के बाहर आएंगी, जो देश में और प्रदेश में आजमगढ़ का नाम रोशन करेंगे। सर, ऐसे में आजमगढ़ का एकमात्र स्टेडियम है जिसमें कुछ कमियां भी देखने को मिल रही हैं, इसको आप लोग किस तरह से बेहतर करने का प्रयास करेंगे या आप शासन को लिखेंगे, किस तरह का प्रयास? इस तरफ ध्यान है, हमारे सांसद महोदय ने भी इस तरफ ध्यान दिया है और हम लोग भी इस पर लगातार प्रयास में हैं। इसे कैसे किया सकता है, क्या किया सकता है, इस पर थोड़ा अध्ययन की जरूरत है, उसके बाद ही निश्चित रूप से इसमें जो कमियाँ उसको दूर। आज विजेता बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, विजेता बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।